नमस्कार दोस्तों, आज की ज्ञानबाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं द यंग साइंटिस्ट, क्रिकेटर, एथलीट, तबला वादक इनिगेसिस। सो ही इज़ देवर्षि घोष और माय नेम इज़ कुमार गौरव, PhD स्कॉलर फ्रॉम IISc बेंगलोर एंड वी विल बी बैक। सो देबू, आज के ज्ञानबाजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो, थैंक यू वेरी मच जे इनवाइट करने के लिए, और इट्स माय प्लेजर दैट मैं आपके चैनल पे आ पाया हूँ। सो देबू, आपके बारे में बताइए मेरे दर्शकों को। सो माय नेम इज देवोर्षि घोष एंड आई एम अ थर्ड ईयर UG स्टूडेंट एट IISc बैंगलोर, और मैं क्लास 12 तक आई वाज इन कोलकाता। आई स्टडीड फ्रॉम दिल्ली पब्लिक स्कूल हाई स्कूल। इन एडिशन टू बीइंग एन UG स्टूडेंट एंड साइंस स्टूडेंट, आई एम अ बायोलॉजी मेजर विद अ पोटेंशियल wish for a bioengineering minor. I am also a sportsman, so I play cricket. So तुमने 12th के बाद UPY लिखा होगा, मेरे दर्शकों को बताइए क्या होता है कि UPY, कैसे उसके लिए आपने प्रिपेयर किया था और क्या स्टैंडर्ड है उसका इंटरव्यू का, तो इन सब के बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, मैं KVPI से IISc में घुसा हूँ, बट इन जनरल IISc में KVPI के अलावा स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गेट इन टू IIT JEE या फिर NEET से। KVPY बेसिकली SA, SX और SB तीन स्ट्रीम होते हैं। SA क्लास 11 के लिए होता है, SB होता है क्लास 12 पास के लिए, और SX होता है क्लास 12 के लिए। तो SA और SX से मोर ऑर लेस एवरी ईयर इनवाइट आता है, मतलब IISc में एडमिशन के लिए अराउंड 1 से 200, 250, 180 उस रेंज में रहता है, और SB से भी कुछ एडमिशन के लिए इनवाइट किए जाते हैं। So, but at an average, it has been seen that admission होता है around 80 to 100, और बाकी के जो seats हैं वो fulfill होते हैं JEE या फिर NEET से। So, general category rank, all of them are general category rank. So, इनमें होता है 1 to 200, 1 to 250 ऐसा rank. So, मैं KVPI के through आया हूँ, so my rank was in the 170s, I do not exactly remember, मैं 2016 में SA में दिया था। इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा है KVPY के लिए आपका? हाँ, तो बेसिकली KVPY जो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना है, ये बेसिकली मोर ऑर लेस साइंस एंड थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड है, बट जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग, थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग के थोड़े क्वेश्चन है, मतलब नॉन रूटीन टाइप के क्वेश्चन। नॉर्मल जो रिटन टेस्ट हुआ था उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ था, दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो मेरा इंटरव्यू का लोकेशन था आइजर कोलकाता में, कौन से हूँ। तो वहाँ पे देयर वाज अ पैनल ऑफ जजेस एंड दे आस्क्ड मी व्हाट वाज माय चॉइस, या फिर मेरा टॉपिक ऑफ चॉइस क्या है। तो फिर मैंने एज एन देन बताया, देन दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस फ्रॉम माय टॉपिक ऑफ चॉइस, एंड आफ्टर दैट दे आस्क्ड मी फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स एज वेल। तो मैथ पूछे मुझे, बायोलॉजी पूछे मुझे, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पूछे। तो इन जनरल दे, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, बट बहुत बेसिक, थोड़ा सा डीप थिंकिंग के क्वेश्चंस है। तो मतलब थोड़ा एनालाइज करना होगा, थोड़ा एनालाइज करके बताना होगा। इफ यू आर नॉट एबल टू आंसर, दे हेल्प अस सो दैट इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इट्स अ होलिस्टिक एक्सपीरियंस टू एंड थ्रू आउट। ओके, सो बेसिकली तुम्हारा इंटरेस्ट पूछेंगे और फिर उसी से ज्यादा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फिर KVPY एग्जाम दे करके, इंटरव्यू देने के बाद तुमने IISc में एडमिशन लिया। सो IISc में कैसा एनवायरमेंट था और कैसे एनवायरमेंट है और उसके एकेडमिक्स कैसे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ जरूर। तो बेसिकली कोलकाता से बैंगलोर आना, दिस वाज मेरा फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, सो दैट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। बट IISc के कैंपस में आते ही आई फेल्ट लाइक इट वाज होम आउटसाइड होम। लश ग्रीन कैंपस, द पीपल आर वेरी फ्रेंडली, वहाँ पे द स्पोर्टिंग फैसिलिटीज आर क्वाइट गुड मैंने देखा। Our dean and जो हमारा management थे, they were also very encouraging, they were also very good. So देखते ही I made up my mind that this is my place to come. So फिर मैं यहाँ पे आया and the first 3 semesters, so basically it's a 4 year course, 8 semesters, 3 year academic coursework थोड़ा रहता है और उसके बाद we need to do 1 year of project. तो उसमें से मेरा जैसे biology major है, there are 6 majors, physics, chemistry, math, biology, material science and earth science. So we can major in any of these 6 subjects and we can take a minor as well depending on the credit requirement. Hota credit requirement ko fulfill karna padta hai. Okay. IISc life is amazing, campus is very good, food is good, hostel life is very amazing, amazing bunch of friends hai.
थोड़ा एकेडमिक कोर्स लोड है नेचुरली, इंडिया वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट एंड इट लिव्स अप टू इट्स रेपुटेशन, एकेडमिक कोर्स लोड है, बट अगर थोड़ा एकेडमिक को मैनेज करके मतलब मोर ऑर लेस क्लास में क्लास का ध्यान देकर थोड़ा सा असाइनमेंट वगैरह टाइम में करके आफ्टर दैट वी हैव इनफ टाइम फॉर आवरसेल्व्स एंड टू एक्सप्लोर द कैंपस, टू एक्सप्लोर इन एंड अराउंड द कैंपस, टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स, थोड़ा रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करना, थोड़ा स्पोर्ट्स खेलना, बहुत अच्छा कल्चरल फैसिलिटीज है, बहुत अच्छा स्पोर्टिंग फैसिलिटीज है, तो ओवरऑल इट्स एन अमेजिंग कॉलेज एक्सपीरियंस. At for now, since that I'm in third year, it has been one of the, two of the best years of my life. बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि आईएससी केवल रिसर्च इन्वायरमेंट है, वहाँ पर आईएससी में स्पोर्ट्स नहीं होता है. सो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा, ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि स्पोर्ट्स भी होता है आईएससी में. सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू दैट आईएससी का रिसर्च एंड एकेडमिक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग, नो डाउट, बट इन एडिशन टू दिस एंड ऑल्सो इन रिसेंट टाइम्स बहुत एम्फोसिस और बहुत मतलब फोकस किया जा रहा है स्पोर्टिंग एंड ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए. आईएससी के पास एक बहुत अच्छा एंड बड़ा स्टैंडर्ड साइज क्रिकेट ग्राउंड है जहाँ पे स्टेट के मैचेस होते रहते हैं उस ग्राउंड पे. इसके अलावा एक फुल साइज फुटबॉल फील्ड एंड हॉकी फील्ड एज वेल. इसके अलावा एक इंडोर जिमखाना है जहाँ पे जिम है, बैडमिंटन कोर्ट है, प्रॉपर वुडन बैडमिंटन कोर्ट है. इसके अलावा बिलियर्ड, पूल, लाइब्रेरी, कैरम, चेस, ऑलमोस्ट ऑफ मोस्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल. And the sporting environment is quite good. Every Saturday and Sunday morning, hum agar jaate, we can see 500 people running around, playing cricket, simultaneously many matches happening. And it's a very, very engaging experience. Everyone can engage themselves. If I am a sports enthusiast, it is one place I will really, really love. And wo suddenly attract ho jata hai. Okay. Aur kaun-kaun se tournament mein participate karta hai ISC? मतलब आईएससी इन जनरल, इफ वी टॉक अबाउट आईएससी के इंट्रा कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ इंटर इवेंट्स होते हैं, तो इंट्रा आईएससी कुछ इवेंट्स होते हैं. स्पेक्ट्रम एक स्पोर्टिंग इवेंट है. इसके अलावा स्पेक्ट्रम इज मतलब एक एनुअल स्पोर्टिंग इवेंट है जहाँ पे 3 days या 4 days या टू आउट अ वीक बहुत सारे इंटेंसिव बैडमिंटन, क्रिकेट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्टिंग एक्टिविटीज होते रहते हैं. इसके अलावा थ्रू आउट द ईयर इंटर डिपार्टमेंट या इंटर डिविजन टूर्नामेंट होते रहते हैं. इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट, इंटर डिविजन बैडमिंटन, इंटर डिपार्टमेंट फुटबॉल, ऐसे इंटर हॉस्टल कभी कभार. तो थ्रू आउट द ईयर सो दैट कभी ये नहीं लगे कि कोई बॉकडाउन हो रहा है रिसर्च से या एकेडमिक से. तो थ्रू आउट द ईयर दिस इज इवनली स्प्रेड आउट और ये होता रहता है. एंड दिस इन एडिशन टू एकेडमिक थोड़ा हमारा जो स्ट्रेस है उसे रिलीव रिलीव एंड वी ऑल्सो लर्न द वैल्यू ऑफ टीम वर्क. ये तो इंट्रा ऐसी हुआ. इसके अलावा हम लोग इंटर में भी पार्टिसिपेट करते हैं काफी लोकल टूर्नामेंट. इसके अलावा हमारा जो मेन साल का स्पोर्टिंग इवेंट है दैट इज इंटर आइजर स्पोर्ट्स मीट. ये एवरी ईयर सम और द अदर आइजर्स में दे होस्ट एंड 10 इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट. द 7 आइजर्स नाइजर भुवनेश्वर, CBS बॉम्बे एंड ISC बैंगलोर. एंड इसमें ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल एंड ऑल काइंड ऑफ स्पोर्ट्स. And ISC has got a very strong competitive team. ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी स्पोर्ट्स में lack करते हैं. So we have a very dominant cricket team, we have a very dominant volleyball team, very very dominant volleyball team. हमारा football team भी काफी अच्छा है. Athletics में हमारे काफी काफी अच्छे runners हैं, जिन लोग state level competitions या फिर national level marathons वगैरह भी भागते हैं. So over and all ये जो team है, हमारा जो contingent आता है, that is a very strong contingent and we can say that we can actually compete with any other college. जैसे कि आपने बताया कि आप क्रिकेट खेलते हैं, तो आपका क्रिकेट लाइफ कब स्टार्ट हुआ और आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं ऐसे क्रिकेटर? अच्छा, तो हाँ, तो बेसिकली मैं क्रिकेट खेलता हूँ. एक टाइम था जहाँ पे आई वॉज नॉकिंग एट द स्टेट एंड नेशनल टूर. तो आई स्टार्टेड प्लेइंग एट अ वेरी वेरी अर्ली एज. आई स्टार्टेड प्लेइंग व्हेन आई वाज इन क्लास 2. उसके बाद मैं थोड़ा सा एकेडमिक में, इट वॉज कम्प्लीटली माई चॉइस. NTSC था क्लास 10 में, क्लास 9 में हमारा एक एग्जाम रहता है, 11 में मैं थोड़ा सा डिटैच हो गया, बट मैं खेलता रहा, मोरल लेस मैं खेलता रहा, थोड़ा डिटैच हो गया. तो फिर मैंने सोचा कि मैं आफ्टर क्लास 12 मैं फिर से खेलूंगा. तो आफ्टर आई वेंट टू बैंगलोर एंड बैंगलोर में जाने के बाद भी अगेन स्टार्टेड प्लेइंग. ISC हैज हेल्प्ड मी अ लॉट बाय प्रोवाइडिंग मी विद दैट प्लेटफॉर्म.
फिर मैं बैंगलोर में भी आई गो टू अ कोचिंग सेंटर, वहाँ पे भी मैं खेलता हूँ. सो आई एम नाउ प्लेइंग द स्टेट लीग एंड होपफुली देखते हैं क्या होता है. अभी तो पैंडेमिक के लिए थोड़ा सा अटक गया है द स्पोर्टिंग, द आउटडोर स्पोर्टिंग सीन, बट आई एम कीपिंग माई सेल्फ, ट्राइंग टू डेवलप माई सेल्फ इन एडिशन टू एकेडमिक्स. मतलब एकेडमिक्स तो है विच इज अ कॉन्स्टेंट फॉर मी, बट आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बिल्ड ऑन माई पैशन विच इज क्रिकेट एंड लेट्स सी व्हाट. ओके, सो दादा के साथ भी तुमने कोई क्लब में खेला है, उसका क्या एक्सपीरियंस है? हाँ, तो बेसिकली मैं कोलकाता में जिस एकेडमी में प्रैक्टिस करता हूँ उसका नाम है 22 ईयर स्पोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड. ओके, दैट इज सौरभ गांगुली एकेडमी. तो फिर मतलब मैं चाइल्डहुड से मैं वहीं पे खेला हूँ, सो आई हैव सीन हिम मल्टीपल टाइम्स, इंस्पायर हुआ हूँ वहाँ पे. एंड मेनी मेनी स्टूडेंट्स एंड प्लेयर्स फ्रॉम माय एकेडमी हैव गॉन ऑन टू बिकम बिग एंड गो ऑन टू द बिगर स्टेजेस. दे हैव प्लेड रणजी एंड दे आर इन द स्टेट टीम, आईपीएल वगैरह खेले हैं. पॉपुलेशन आफ्टर यूजी दे गो अब्रॉड इधर टू यूएस आफ्टर फोर इयर्स फॉर अ पीएचडी प्रोग्राम फॉर हायर स्टडीज, और दे गो आफ्टर अ फाइव ईयर मास्टर्स टू यूके और द यूरोप और एनी अदर स्टेट part of the world for a PhD program. That is मतलब most people यही लेते हैं. इसके अलावा एक non academic option भी है. तो non academic काफी सारे लोग हैं जो non academic जाते हैं. They go into industry, they go into an MBA, do MBA from the top these schools in India, IIM, AIIM, IIMC. And इसके अलावा भी, but वो बहुत कम students हैं जो direct campus placements में बैठते हैं, directly यहीं से उनका recruitment होता है. But that option is available if you really want to go into a job after getting your bachelor's. So that option is very available, and so there are every aspect. मतलब बहुत सारे wide after you do your bachelor's degree and after I am an undergrad from ISC, the degree holds quite a value and I can go into most of the fields. But since it is a research institute, most students are research oriented and they gain that interest also and they mostly prefer to go into an academic. अगर परसेंटेज वाइज देखें हम लोग, सो कितना परसेंट लोग हायर स्टडी के लिए जाते हैं, कितने लोग प्लेसमेंट के थ्रू सेलेक्ट होते हैं और कितने लोग एमबीए के लिए जाते हैं? आई डोंट हैव द एक्चुअल फिगर्स, बट आई कैन गिव एन एप्रोक्सीमेट अमाउंट. 80% स्टूडेंट गो इनटू हायर स्टडीज, अराउंड 15% गो इनटू अ डिफरेंट फील्ड और गो इनटू नॉन एकेडमिक, एंड मे बी 2-5% सिट इन कैंपस प्लेसमेंट. तो हर साल ऐसे मतलब कि फिगर्स में वेरी, बट ऐसी बहुत सारे फेस्ट भी ऑर्गेनाइज कराता है थ्रू आउट द ईयर. सो कौन कौन सा फेस्ट ऑर्गेनाइज कराता है और बेसिकली इसमें यूजी स्टूडेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि पीएचडी वाले थोड़ा रिसर्च में ही ज़्यादा बिजी रहते हैं. सो बीइंग अ यूजी गाय, व्हाट यू वांट टू से अबाउट दैट? तो फिर मैंने पहले एक फेस्ट का तो नाम ले ही लिया जो स्पेक्ट्रम है. तो बेसिकली हम काफी सारे फेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, इसमें से एक है संगम. तो ये होता है जब when the new freshers join in, be it UG or PhD or master student, तो then freshers के लिए mostly एक campus wide fest organize किया जाता है जिसका नाम है संगम. बहुत सारे interesting activities रहते हैं, from treasure hunt, show your talent and various, मतलब बहुत सारे activities रहते हैं to engage and mostly ice breaking so that they get used to ISC life and ISC culture in general. Over 3-4 days ये fest spread है. And it's very, मतलब जो नया ISC में आते हैं, they feel very homely and they feel an instant connection to ISC. And there is also a fest that is completely organized by the undergrad of ISC, जिसका नाम है Pravega. And Pravega is a science, cultural and technical fest. It is organized in the months of January, February. And ये एक national fest है. ये one of the biggest fests in India. बहुत बड़ा cultural aspect है, बहुत अच्छा technical aspect है. So this fest is quite good and it is our pride over 3 days and basically whole week ke liye we have workshops which are very big part of our fest. Battle of bands, all of bands all over India come and participate. Decoherence physics contest which is engaging and engages the top brilliant physics minded students throughout the country.
we have a lot of events and every new events come on added every year. Hamara bahut acha quizzing circuit hai. Okay. And the fest is actually, it is actually a festival. I mean, it lives up to its name of being a festival. So it's a very enjoyable experience for us who are the hosts. And hum log kafi iske andar invest karte hain. Aisa nahi ki hum sirf academically pura time sochte rehte hain. We also organize this whole fest on our own, from every aspect, from the basic logistics to ending the fest and interacting with celebrities and receiving different students from all over the country to participate and to engage in all the activities. So it is a pride and honor for us undergrad students. Okay. So, जो भी हमें देख रहे हैं और KVPY लिखना चाहते हैं या फिर ISC में UG करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? इन जनरल यही बोल रहे हैं कि जो क्यूरियोसिटी है, नॉर्मल क्यूरियोसिटी है कि जानने का, थोड़ा नॉन रूटीन एनालिटिकल थिंकिंग का, उसे ही रहने के लिए एंड थोड़ा, सिंस इट इज आफ्टर अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, थोड़ा टू सॉल्व मोर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, टू लर्न मोर अबाउट द एलिमिनेशन टाइप प्रोसेस विच विल हेल्प इन फास्टर सॉल्विंग ऑफ एमसीक्यू स्किल्स. बट इसके अलावा इन जनरल, सिंस आई एम फ्रॉम अ CBSE बैकग्राउंड, आई नो दैट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में NCERT का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो मतलब नोइंग द NCERT एंड लर्निंग द वेरी बेसिक्स, अगर बेसिक्स का फाउंडेशन काफी अच्छा है तो फिर मोस्ट एग्जाम्स या फिर मोस्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ दे डो नॉट फेस मच ट्रबल. और मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये मैं आई एम सेइंग ओनली फॉर SA स्ट्रीम, तो फिजिक्स या केमिस्ट्री उसमें थोड़ा सा क्लास 11 या 12 का स्किल चाहिए होगा. जो SX स्ट्रीम है उसमें वील नीड सम इन डेप्थ नॉलेज, थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज उसमें जरूरत होगा या फिर गोइंग मोर डेप्थ इनटू अ पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस माइट कम. बट दैट्स ऑल, इट डज नॉट रियली मैटर वेदर समवन गोज इनटू एन इंस्टीट्यूट और नॉट, बट व्हाट मैटर्स इज द क्रिएटिव थिंकिंग एंड द एनालिटिकल थिंकिंग ऑफ एन एस्पेक्ट. देबू, बहुत बहुत धन्यवाद. आप, हम दोबारा शूट कर रहे हैं, एक सप्ताह पहले हमने शूट किया था और वो टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम सेकेंड टाइम कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आप आए और हमारे दर्शकों को इंस्पायर्ड किए और बहुत सारे नॉलेज दिए और ज्ञानबाजी किए हमारे साथ, और आपको बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू वेरी मच. और मतलब मैंने क्या ही किया, अगर इफ पीपल बिकम इंस्पायर्ड एंड दे वॉन्ट टू कम इन टू ISC, बिकम अ पार्ट ऑफ इट्स कल्चर एंड हिस्ट्री एंड ऑल्सो इट्स एकेडमिक रेप्यूटेशन, दे आर मोस्ट वेलकम. एंड आई वुड लाइक टू एंड if anyhow I can help anyone, so bas yahi hai and mera yahi motto hai ki keep smiling. Thank you. तो दोस्तों, ये थे देवर्षि घोष. मुझे विश्वास है कि आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा. मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए. इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ. मुझे DM कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. और पेशेंस बनाए रखिए क्योंकि ये पेंडेमिक का टाइम है और ये पेंडेमिक का टाइम हमको पेशेंस रखना ही सिखाता है. और हम मिलेंगे किसी और नए इंस्पायरिंग मोटिवेशनल वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.